कोरोना के कारण चाय की चुस्की भी महंगी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाय पत्ती के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो बढ़ चुके हैं। जो सामान्य चाय 180-200 रुपए किलो मिलती थी, उसके दाम अब 220 से लेकर 240 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गए हैं। दामों में इजाफा होने का सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण असम सिलीगुड़ी में चाय की फसल प्रभावित हो रही है। मजदूरों के पलायन व महंगे हो जाने के कारण उत्पादन का भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं परिवहन भी महंगा हो गया है, जिसके कारण अब चाय के दाम बढ़े हैं। सिलीगुड़ी में 30 से 40 रुपए किलोग्राम महंगी हो गई है चाय। सिलीगुड़ी में चाय 130 रुपए से लेकर 150 रुपए थी, जिससे ग्वालियर के ग्राहक को 180 से 200 रुपए प्रति किलो बेचते थे। अब सिलीगुड़ी में चाय 180 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है, ऐसे में 30 से 40 रुपए ग्राहक को भी महंगा बेचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।